नमस्कार, मैं आचार्य पूरन तिवारी, आपका स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पर। कल हम सभी ने धनतेरस मनाई और धनतेरस मनाने के बाद सबके मन में प्रश्न है कि उस दिए का हम क्या करें। दिए को किसी बड़े वृक्ष के पास छोड़ सकते हैं। कुछ सरल उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं दिवाली की रात्रि में, क्या सरल उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि हमारे घर में लक्ष्मी स्थिर होकर निवास करे। शास्त्र कहते हैं लक्ष्मी बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होती। मेहनत लक्ष्मी प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, लेकिन जो धन हमारे जीवन में आए उसको किस प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है, उसको किस प्रकार से संरक्षित किया जाता है, किस प्रकार से हम धन को बचा सकते हैं, क्योंकि कमाना बड़ी बात नहीं है, शास्त्र कहते हैं बचाना बड़ी बात है। तो किस प्रकार से हम धन को सही उपयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से उसका संरक्षण करते हैं, ऐसे क्या उपाय करें कि हमारे घर में जो धन आए, जो संपत्ति आए, जो हम मेहनत से अपना धन कमाएं, उस धन का किस प्रकार से सदुपयोग किया जाए, यह बताने के लिए ये छोटे छोटे कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लक्ष्मी पूजा के दिन, दिवाली के दिन सायंकाल हम गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी विघ्नों का नाश करते हैं। उसके पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करें ताकि हमारे जीवन में धन आए। लेकिन अब जो उपाय है, जो पूजन जो आपको करना है, वो लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ लक्ष्मी का पूजन न करें, इस दिन नारायण का पूजन अवश्य करें। भगवान विष्णु के का ध्यान करें, उनकी आराधना करें और लक्ष्मी नारायण का साथ में ही पूजन करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जहाँ नारायण का निवास है लक्ष्मी वहाँ स्थिर होकर रहने लगती है। और नारायण सद्बुद्धि भी है, बिना सद्बुद्धि के लक्ष्मी निवास नहीं करती। इसलिए दिवाली में लक्ष्मी जी का पूजन तो करें ही, साथ में नारायण का पूजन अवश्य करें ताकि घर में लक्ष्मी स्थिर होकर रहे। उसके पश्चात घर में एक अखंड घी का दिया जलाएं। अखंड घी का दिया कोशिश करें रात्रि भर जलती रहे वह ज्योति, और सुबह उस दिए से थोड़ा सा भस्म लेके, थोड़ा सा कालिक लेके अपने मस्तक पर धारण करें। जिस चावल पे आपने लक्ष्मी जी को स्थापित किया था या जिस कॉइन के ऊपर आपने लक्ष्मी जी को स्थापित किया था, उसमें से थोड़ा चावल अपने अनाज के ऊपर डालें और थोड़ा सा चावल या धन पैसा जो है वो अपना जहाँ आप पैसे इत्यादि को रखते हैं वहाँ स्थापित करें। एक फल है जिसे हम लोग बिलपत्र का फल कहते हैं, ये लक्ष्मी जी का बहुत प्रिय फल है। इस फल पर आप स्वस्तिका का निर्माण कर सकते हैं, स्वस्ति बना सकते हैं और दिवाली की रात्र में इसमें स्वस्तिक बनाकर आप एक सुंदर सा स्वस्तिक बनाएं और फिर उस स्वस्तिक का रात्रि भर पूजन करके इसको जहां आप संपत्ति रखते हैं वहां रखें, तो इससे भी धन में वृद्धि होगी, धन स्थिर होकर घर में रहेगा, धन का अपव्यय नहीं होगा, फालतू खर्च में धन खराब नहीं होगा। उसके अलावा शास्त्रों ने कहा है कि दीपावली की पूरी रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पूजन, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, यह कुछ अचूक उपाय हैं जिनसे लक्ष्मी हमेशा स्थिर रहती है। लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए कौड़ियों का भी पूजन किया जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए हल्दी का उपयोग भी किया जाता है। आप एक हल्दी की गांठ लें, उसको लक्ष्मी पूजा के दिन दीपावली की रात्रि में जहां आप लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं वहां पर स्थापित कर दें। सायंकाल पूजा समाप्त करने के पश्चात प्रातःकाल जब उठे लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन, दिवाली के दूसरे दिन, उस गांठ को, उस हल्दी की गांठ को जहां आप धन रखते हैं वहां स्थापित कर दें और उसका धूप दीप से नित्य प्रतिदिन पूजन करें तो लक्ष्मी जी स्थिर होकर निवास करती हैं। दीपावली की रात्रि में सुंदर से खीर बनाकर उसमें चीनी की जगह शहद डालें और शहद से बनी हुई खीर में केसर भी डालकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर परिवार को खिलाने से जहाँ परिवार में
आपसी प्रेम बढ़ता है, साथ में लक्ष्मी जी की कृपा भी परिवार पर होती है। एक और उपाय है, शास्त्र कहते हैं दीपावली की रात्रि में अपने घर में जो आपका लक्ष्मी जी का विग्रह हो, जो लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, उसका केसर से पूजन करें। जफरान जिसे हम लोग कहते हैं, केसर से पूजन करें और केसर का एक एक दाना लेके, एक एक फूल लेके लक्ष्मी जी के चरणों पर चढ़ाएं। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमः, इस प्रकार से लक्ष्मी जी का पूजन करें और फिर उस केसर से आप माथे पे प्रतिदिन तिलक करें तो उससे भी लक्ष्मी जी का अपव्यय नहीं होता, लक्ष्मी जी फालतू चीज़ों में खर्च नहीं होती। तो ये कुछ छोटे से उपाय हैं। इसके अलावा श्री सूक्त का पाठ, श्री सूक्त लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय सूक्त है, ऋग्वेद का यह सूक्त है। जो व्यक्ति श्री सूक्त का पाठ करता है उसके जीवन में लक्ष्मी स्थिर होकर रह जाती है। जो व्यक्ति कनकधारा स्तोत्र का पाठ करता है या फिर ब्राह्मणों के द्वारा करवाता है उसके जीवन में भी लक्ष्मी की स्थिरता प्राप्त होती है। तो ये कुछ छोटे छोटे और सटीक उपाय हैं, इनको लक्ष्मी पूजा पर अवश्य करें ताकि लक्ष्मी हमारे जीवन में सुस्थिर होकर रहे। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।